मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ, जिसका नाम है भटकटैया। भटकटैया सारे भारत में, विशेषकर गांवों और कस्बों में, खेतों के आसपास, सड़कों के किनारे, नालों के किनारे, बहुतायत में छत्तों की तरह भूमि पर फैला हुआ मिल जाता है। कचरों के ढेर के आसपास भी ये अपने आप उग जाता है। इसका पौधा टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं और छोटे छोटे कांटों से युक्त 5 से 6 फुट के घेरे में फैलता है। पौधे पर कांटों की संख्या इतनी अधिक होती है कि पौधों को हाथ लगाने में भी कांटे चुभने का भय बना रहता है। लगभग आधा इंच लंबे कांटे दिखने में पीले चमकदार होते हैं। पत्ते खंडनीय टेढ़ी मेढ़ी आकृति के 4 से 5 इंच लंबे और 2 से 3 इंच चौड़े होते हैं। पुष्प गुच्छों में छोटे छोटे नीले, बैंगनी या जामुनी रंग के लगते हैं। इसका फल लगभग 1.25 इंच का व्यास वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें भटकटैया के बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं जो आपको इसके इस्तेमाल से मिल सकते हैं। उन्हीं में जो सबसे पहला लाभ है, पेशाब की रुकावट को तो भटकटैया अपनाने से ही खत्म हो जाती है। पत्तों के रस की 1 चम्मच की मात्रा को आधे कप मट्ठे यानी कि छाछ के साथ सुबह शाम पिलाने से पेशाब में जितनी भी रुकावट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। भटकटैया के बीजों को चिलम में भरकर जलाएं और उसका धुआं मुंह में खींचकर कुछ क्षण अंदर रोककर छोड़ें। दांत दर्द या दाढ़ का दर्द आदि बिल्कुल नष्ट हो जाता है। भटकटैया के पंचांगों से निर्मित काढ़े से गरारे करने से भी दांत का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों, भटकटैया और अनार की जड़ को लगभग समान भाग में लेकर पीस लें। पानी में इसे लेप तैयार कर स्तनों पर सुबह शाम नियमित रूप से मालिश करें। इससे स्तनों में कठोरता आएगी और उनका ढीलापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फूलों के मध्य पीले रंग के पुष्प केसर का चूर्ण बनाकर शहद के साथ 800 से 900 ग्राम मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम देने से कुकर, खांसी और बलगम वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, फोड़े फुंसे में भटकटैया बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। इसके बीजों को महीन पीसकर नारियल के तेल से फेंटें और इसे फोड़े फुंसी पर लगाते रहें। कुछ ही दिनों में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो भी भटकटैया बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। नाक के नथुनों में भटकटैया का दूध 2 से 3 बूंदे सुबह शाम टपकाने से लाभ मिलता है। अगर आपको नपुंसकता है तो भी भटकटैया बहुत काम आता है। भटकटैया के बीजों को पानी के साथ पीसकर लेप बनाएं और शीशन के ऊपर उससे मालिश करें। ऊपर से पान का गर्म पत्ता बांध लें। प्रयोग कुछ हफ्तों में ही आपको लाभ पहुंचा देगा। दोस्तों, अगर आपको मूत्राशय की पथरी है तो भी भटकटैया बहुत ही लाभकारी है। इसमें भटकटैया की जड़ का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में 4 चम्मच दही के साथ दिन में 3 बार नियमित रूप से कुछ हफ्ते सेवन करें, पथरी निकल जाएगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आयुर्वेदिक लाभ भटकटैया के। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।